आज हम जानेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और आपके प्राइवेट डेटा को प्राइवेट कैसे रख सकते हैं। तो आज के इस डिजिटल एज में लगभग सभी काम ऑनलाइन होते हैं। इसमें आपका सोशल मीडिया अकाउंट, आपके पर्सनल चैट्स, बैंकिंग और आपकी फिटनेस एक्टिविटी तक ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ज़्यादातर लोग अपने डेटा को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो चलो हम पहले ये देखेंगे कि डेटा प्राइवेसी क्या होती है और हम कैसे इस डेटा को सेफ रख सकते हैं। डेटा प्राइवेसी मतलब आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन का प्राइवेट रहना। तो अब हम ये देखेंगे कि आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो प्राइवेट ही रहे। अगर आप अपना डेटा और अपने एंड्रॉइड फ़ोन को सेफ रखना चाहते हो तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं तो हमेशा के लिए आपको इन रूल्स को ध्यान में रखकर आपको मोबाइल यूज़ करना होगा। रूल नंबर 1, कभी भी किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट या ऐप से कोई ऐप एंड्रॉइड में डाउनलोड न करें और ऐप डाउनलोड करने के लिए सिर्फ गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें और कोई भी मॉडेड ऐप कभी भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस डिजिटल एज में कुछ भी फ्री में नहीं होता। तो अगर आपको ये लगता है कि मॉडेड ऐप डाउनलोड करके आप पैसे बचा रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मॉडेड ऐप डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल का पूरा एक्सेस उस हैकर को दे रहे हो। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका प्राइवेट डेटा। रूल नंबर 2, किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट को कभी भी विजिट ना करें। मतलब जो वेबसाइट सिक्योर है उसी को विजिट करें। जिस वेबसाइट की URL में HTTPS हो सिर्फ उसी वेबसाइट को विजिट करें और जिस वेबसाइट की URL में HTTP हो उसे विजिट ना करें। रूल नंबर 3, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और आपके जीमेल अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन करके रखें। मतलब अगर किसी को आपके अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड पता भी चल गया तो भी वो अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से लॉगिन करने के लिए आपके मोबाइल में OTP आएगा जिसके बिना लॉगिन करना पॉसिबल ही नहीं होगा। रूल नंबर 4, किसी भी प्रकार के लिंक पर कभी भी क्लिक न करें, क्योंकि एक गलत क्लिक की वजह से आपका पूरा मोबाइल हैक हो सकता है। तो सिर्फ ट्रस्टेड लिंक्स पर ही क्लिक करें। रूल नंबर 5, हम जब किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो पब्लिक चार्जर्स का इस्तेमाल न करें, खासकर तब जब आपने डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करके रखा हो, क्योंकि दूसरी साइड से जो इंसान होगा वो आपका मोबाइल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और आपको ये समझना होगा कि आपका पर्सनल डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।